थ्योरी का तैयारी कैसे करें। इस वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, बहुत ज़्यादा शेयर किए, लेकिन साथ ही साथ आपने क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कर दिया कि सर थ्योरी का तो आप बता दिए, लेकिन आप एक बात बताइए कि प्रैक्टिकल यानी अकाउंट का, कॉस्ट का, मैनेजमेंट का, टैक्स का, FM का, FRA, FSA, मैथ, स्टेटिस्टिक्स यानी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में जो प्रैक्टिकल होते हैं उसको हम लोग कैसे तैयारी करें। तो देखिए प्रैक्टिकल कैसे तैयारी करेंगे, बाय गॉड 31 ईयर्स हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मेरे यहाँ जितने भी लोग पढ़ते हैं कम से कम प्रैक्टिकल में तो उसको कभी फेल होने का चांस ही नहीं आया, यानी 100% रिजल्ट जो बोलता है माथुर सर, इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिकल का तैयारी कैसे करना है ये हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। तो आइए वही रहस्य आपके सामने खोल देते हैं, वही पर्दा आपके सामने खुलेगा एंड आप भी उसी तरह से तैयारी कीजिए, देखेंगे प्रैक्टिकल में आपको ना डर लगेगा, पास तो होंगे ही, जब डर नहीं है तो जीत तो है ही। तो आइए ये हम नहीं बोलेंगे कि डर के आगे जीत है, अगर डर नहीं है तब जीत है, डर के आगे जीत तो उसके मतलब हो गया वहां एक रुकावट आ जाता है। लेकिन इसके पहले अगर मेरे वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा हो रहा है तो आप लाइक करके अपने फ्रेंड को जरूर से शेयर कीजिए। अब आपको बता देते हैं कि 246 का एग्जाम्स आपके यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एंड अदर यूनिवर्सिटी में होने ही वाले हैं। अगर आपको 246 का पेन ड्राइव चाहिए या ऐप से लेना है तो एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप कॉल कीजिए, आपको पूरा ही कोर्स इतना बेहतरीन से डिजाइन किया गया है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। आज के डेट में कहीं पर भी आप अगर तैयारी भी करेंगे, कहीं ज्वाइन भी करेंगे तो भाई 20 से करवाएगा, कभी कंप्लीट नहीं करवाएगा। इसीलिए अब आपके लिए पेन ड्राइव ही सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तैयारी करने का मींस और साधन हो गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर करने के लिए जैसे मान लीजिए आप अकाउंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कॉस्ट कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, FM कर रहे हैं, FSA कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, पहले तो हर एक चैप्टर को करना है, हर एक चैप्टर को। अब देखिए मान लीजिए अगर 10 चैप्टर है तो क्या सारा चैप्टर आपको अच्छा लगता है? नहीं ना लगेगा। तो जो उसमें आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है पहले उसका तैयारी करना है, यानी क्या बोले हम, पहला ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर को करना है, उसमें से जो इजी चैप्टर है ना उसको आपको निकाल लेना है। कैसे निकलेगा? अरे बनाते बनाते आपको कोई बोलेगा, आप तो अपने ही फ्रेंड में बोलते हैं ना यार ये चैप्टर मेरे को बहुत इजी लगता है, तो वो इजी चैप्टर को पहले एक जगह कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो जो इजी आपको लग रहा है ना चैप्टर, वो पिछला 4-5 साल में उससे कैसा क्वेश्चन आया है उसको कीजिए। जैसे हम यहाँ पर क्या करवाते हैं, प्रीवियस ईयर में जितना भी आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हैं ना पिछला 10-15 साल का हम करवाते हैं, तभी तो इतना बढ़िया रिजल्ट होता है। और अगर आपको भी ऐसा ही रिजल्ट चाहिए तो नो डाउट माथुर सर क्लासेस से पेन ड्राइव लीजिए, फिर देखिए आपका कितना अच्छा रिजल्ट होगा। दूसरा, अब क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला को एक जगह नोट डाउन कीजिए, यानी कोई भी चैप्टर जो बनाते हैं चैप्टर बनाने के पहले उस फॉर्मूला को लिखिए, ताकि जब जब पलटेंगे ना फॉर्मूला एक बार आपके नजरों में आ जाएगा। तो जब फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आधा तो ऐसे ही आप पास कर गए, क्योंकि फॉर्मूला ही तो सबसे ज्यादा लोग भूल जाता है, बार बार पलटेंगे फॉर्मूला याद रहेगा। होता क्या है ना, काफी लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला एक जगह नहीं करते हैं, वो जो जो सवाल बनाए वहां अलग अलग, इतना ज्यादा यार प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करना है ना, आप जब पूरा चैप्टर को बनाते हैं, एक चैप्टर में अगर 25 क्वेश्चंस को बनाए तो उसमें फॉर्मूला क्या क्या है उसको एक जगह कर लीजिए। थर्ड, अब क्या हुआ कि आपका पूरा चैप्टर खत्म, जो इजी चैप्टर है उसको आपने पहले रख दिया, फॉर्मूला को एक जगह कर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर दिए, खत्म। आपने सर कैसे खत्म? अब देखो यार यही तो बात है ना, अब जो आपने एक बार पढ़ लिया तो बार बार पढ़ने का भी दरकार नहीं पड़ता है, आप कोई चैप्टर को याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट शीट को याद कर लीजिए, अगर मान लीजिए टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स में आप सैलरी हाउसबोटी को एक बार खाली दिमाग में घुमाइए, अगर FM कर रहे हैं लेवरेज को कीजिए, अगर मान लीजिए आप FSA कर रहे हैं तो रेशियो को कीजिए। इस तरह से आप एक मरते उस चैप्टर को अगर दिमाग में घुमाएंगे ना, विजुअलाइज करेंगे, तो क्या होगा, पूरा का पूरा थिंग्स, कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, कहाँ पर क्या क्वेश्चन लगा, कहाँ पर क्या फार्मूला लगा, पूरा एक बार में दिमाग में आ जाएगा। यही था आपका थिंक करना है, फॉर्मेट एंड उसका फार्मूला कैसे बना है। एंड
फिर जब सारा कुछ हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आप कम से कम 5 साल का बार बार करके जाइए यार, देखेंगे आपको टेंशन है ना एग्जाम का, तो इसी तरह से जो क्वेश्चन सेटर होते हैं ना उसको भी टेंशन रहता है कि हम कौन सा क्वेश्चन सेट करें। कम से कम 60-70% प्रीवियस ईयर से वो एज इट इज आपके लिए डालता है, सिर्फ नंबर चेंज करता है और कुछ भी नहीं चेंज करता, अमाउंट चेंज कर देता है, अमाउंट जहां पर 1 लाख है 50,000 कर देता है, आप देखिएगा सवाल में कोई चेंजेज नहीं करता है। तो नो डाउट जैसे आपका टेंशन वैसे ही जो क्वेश्चन सेटर रहता है उसका भी टेंशन होता है, नहीं तो लोग बोलेगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया। इसीलिए आप डरिए मत, जो मैंने बताया उसको करके देखिए, फिर देखेंगे आपको प्रैक्टिकल बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे ही चीजों को हम बार बार आपके लिए लेकर आएंगे, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब तो आप करके ही रखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।